परियोजना को लेकर कमलनाथ से भी मैंने चर्चा की थी। परियोजना को लेकर यूपी और मध्य प्रदेश सरकार में कोई विवाद नहीं था। देश की सबसे बड़ी पंचायत ने केन बेतवा परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यूपी और मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। लेकिन चूंकि इस योजना से सिर्फ गरीबों को लाभ था, तो इस योजना में कुछ थोड़े से गीधों की जीवन रक्षा के कारण इस योजना पर मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। और इस पे हमने पूरा आर्गुमेंट दिया, पूरे सबूत दिए कि ये गीध नहीं मरेंगे इस योजना से। फिर कई बार उन्होंने स्पॉट इंस्पेक्शन किए, फिर अंत में मैं संसदीय समिति को लेके गई थी वहाँ पर अपने साथ, जब मैं मिनिस्टर थी तब उस स्पॉट पर। और इस प्रकार से वो स्थितियाँ बनती गई कि पर्यावरण विद्वी मंजूरी दे दिए। उनकी भी आपत्ति जायज है, उनका काम है सबकी रक्षा करना। लेकिन अब केन बेतवा की सूचना सुनने के बाद में मैं भी शिवराज जी को जाकर के मिलूंगी रात में, और इस बात के लिए उनका अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने राज्य सरकार की जो जल बंटवारे की आपत्तियां थी, योजना पे आपत्ति नहीं थी। मैं चाहूंगी कि इस पर हम बहुत क्लियर रहें, उनकी योजना पे आपत्ति का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्रियों के साइन हुए हैं, दोनों राज्यों के MOU साइन हुए हैं 3 बार। 2 बार मुख्यमंत्रियों के हुए और 1 बार अधिकारियों के हुए हैं शायद। 1 बार तो हमारे समय पे हो गया था, गौर साहब ने चूंकि रिजाइन कर गई थी तो अचानक बैठक हुई और गौर साहब और मुलायम सिंह के बीच में साइन हो गए। फिर उसके बाद में अधिकारियों के बीच में होता रहा, तो कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। दिक्कत थी कि सारे प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से जल से संबंधित हैं, उनमें जो डिस्प्यूट हैं उनका समाधान भी एक साथ सोच लिया जाए। तो मुझे लगता है कि अंत में PMO के दखल से वो समाधान अब हो गया है। उसमें जितना मेरा रोल हो सकता था वो पूरा हुआ। और एक माँ को जो खुशी होती है अपने बच्चे को जन्म देने के बाद, उसके पढ़ने लिखने के बाद जब वो कॉलेज से निकलता है बड़ी डिग्री लेके, तो वही खुशी मुझे भी हो रही है कि ये प्रोजेक्ट जन्मा और अंत में ये प्रोजेक्ट परवान चढ़ा, बड़ा हुआ, और अब इससे पूरे बुंदेलखंड का भाग्य बदल जाएगा। इसमें करीब 90 लाख लोग लाभान्वित होंगे, और इनडायरेक्ट तो, और इसमें जो विस्थापन था वो सिर्फ 7,000 परिवारों का था, और वो विस्थापन के लिए वो परिवार तैयार थे, खुशी से वो वेलकम कर रहे थे इस चीज़ को, क्योंकि बहुत परेशान है सूखे से बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बहुत अच्छा हो गया है जो कुछ हो गया है। अब इसमें एक विशेष बात है, वो है CAD, CAD, कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट है नहर के दोनों तरफ में जो पानी होता है, वो उस पानी से और क्या क्या हो सकता है, वो बहुत गौर करने लायक बात है, जिसकी चर्चा मैं आज शिवराज जी से करूंगी। हमने चाहे पाइपलाइन से पानी जाएगा या नहर से जाएगा, ये तय हो जाएगा, लोग तो दोनों के लिए राजी हैं, जनता जमीन देने, बल्कि मेरे समय पर तो उनका मूड ये था कि हम फ्री में दे देंगे, आप ले तो जाइए, कितनी नहर निकलेगी हमारे, बाकी खेत तो सिंचित हो जाएंगे, शेष बची हुई जमीनें हमारी सिंचित हो जाएंगी, तो जो भी हमको आप देना चाहें कीमत दीजिए, क्योंकि हम ये भी कह रहे थे कि ये दिक्कत आ सकती है कीमत अदा करने की, ये स्थिति आ गई थी कि लोग कह रहे थे दान पत्र लिखवा लीजिए हमसे। तो इसलिए जरूरी है कि इसके कैड एरिया डेवलपमेंट को इग्नोर ना किया जाए, कमांड एरिया डेवलपमेंट को, क्योंकि इसी से रोजगार निकलने हैं, खेती तो होनी ही है। अगर 90 लाख लोगों को लाभान्वित होना है तो आप समझ जाइए कि फिर तो करीब 2-3 करोड़ लोगों को लाभान्वित होना है। लेकिन रोजगार जो निकल रहे हैं दो प्रकार के, एक रोजगार होंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के और एक होंगे मिल्क बेस्ड इंडस्ट्रीज के, क्योंकि इससे पशुपालन बढ़ाया जा सकता है ठीक से बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब ये तो हम इसको इसराइल के जैसा बना सकते हैं, जो मैं सोचती भी थी कि बुंदेलखंड कभी इसराइल के जैसा हो जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट इसराइल के जैसा है और पानी हमारे यहाँ है, वहाँ पानी नहीं, उनको तो पानी बनाना पड़ा, लाना पड़ा वो पानी बनाना पड़ा, वो आपको पता ही होगा खारे पानी से मीठे पानी में तब्दील करना पड़ा उनको, हमें तो वो भी परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि वो घड़ी आ गई है, और इसलिए हमें प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए, दोनों राज्य सरकारों को भी साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस कार्यवाही को अंत में करवा लिया, नहीं तो ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं, जब मैं जल संसाधन मंत्री बनी तो मुझे ऐसी योजनाएं मिली थी जो 40 साल से लंबित थी और जिनके बजट 100 करोड़ से 10,000 करोड़ पे आ गए थे, वो स्थिति बन गई थी। महाराष्ट्र की ऐसी योजनाएं मिली और अंत में समझौते करवाने पड़े मुझे कि भैया तुम ऐसा इतना कर लो, तो तुम वैसा इतना कर लो, ऐसे करके हुआ था।
तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, और जो 8 साल उन्होंने कहे हैं वो बिल्कुल ठीक कहे हैं। मेरा कहना था स्टार्टिंग पॉइंट से 7 साल, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट आने में मतलब कैबिनेट में बिल्कुल ठीक से बताया गया है टाइमलाइन। स्टार्टिंग पॉइंट आने में लगभग 1 साल लगेगा सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में, और जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट आ गया मतलब निर्माण के संबंधी प्रक्रिया शुरू हुई, तो 7 साल में केन बेतवा हकीकत में बदल जाएगी।